सरकार व कानून प्रशासन बेटियों की सुरक्षा को लेकर लाख दावे कर ले, लेकिन अपराधी लड़कियों के साथ जुल्म कर रहे हैं। ताजा मामला प्रदेश के फिरोजाबाद जिले का है, जहां घर में खाना बना रही युवती को दबंगों ने जबरन उठा कर ले जाने का प्रयास किया। युवती के विरोध करने पर दबंगों ने चूल्हे पर रखी गर्म तेल की कढ़ाई उसके ऊपर उड़ेल दी, जिससे वह बुरी तरह से झुलस गई। चीख पुकार सुनकर आरोपित मौके से फरार हो गई। पूरा मामला फिरोजाबाद के थाना पचोखरा के क्षेत्र की गांव गड़ी दया का है। गांव के छोटे लाल पुत्र मोहन लाल का आरोप है कि शनिवार शाम करीब 6 बजे उनकी पुत्री घर में खाना बना रही थी, तभी गांव के ही गनोरगंज अमीरदीप पुत्र गण महेश और मोहित घर में घुस आए और उनकी पुत्री को जबरन उठाकर ले जाने का प्रयास करने लगे। तब उनके विरोध किया तो आरोपियों ने उसके ऊपर चूल्हे पर रखी गरम तेल की कढ़ाई डाल दी, जिससे वह काफी झुलस गई। शोर सुनकर आसपास के लोग एकत्रित हो गए। इसके बाद भीड़ को आता देख आरोपी गाली गलौज करते हुए मौके से फरार हो गए। परिजनों ने गंभीर झुलसी युवती को HSF मेडिकल कॉलेज लेकर पहुंचे, जहां उसका उपचार चल रहा है। घटना के बाद गांव में हड़कंप मचा हुआ है। फिरोजाबाद से राकेश वर्मा के साथ जाहिद हुसैन की रिपोर्ट। पुलिस इसमें क्या कार्रवाई कर रही है? कुछ नहीं कर रही है, इसमें तो वीडियो वीडियो वाले को बुलाएंगे अब हम, या फिर यही कार्रवाई, या फिर वो इंसाफ चाहिए, और नहीं तो मैं मीडिया बुलाऊंगी। जो आपके शहर फिरोजाबाद में खुल गया है पैरामेडिकल नर्सिंग इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस, जिसमें स्वास्थ्य, शिक्षा, सरकारी नौकरी, निजी हॉस्पिटल व स्वरोजगार के अच्छे अवसर मिलेंगे, तो आज ही आइए और लीजिए दाखिला पैरामेडिकल नर्सिंग इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस में।